सावे ज्वेल्स बिजनेस में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और हम आ चुके हैं ताज नगरी। जी हां, ताज नगरी आगरा, एक और नए शहर और एक और नया होलसेलर। जी हां, एक और नए होलसेलर से हम आपको मिलवाएंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं सावे ज्वेल्स के, और इन दिखाएंगे इनका स्टॉक कि किन स्टॉक में डील करते हैं। बेसिकली गोल्ड आइटम में ये डील करते हैं, तो उनकी प्योरिटी के बारे में भी जानेंगे। और जिनके शॉप का नाम मैं बता दूं आपको, शॉप का नाम है जीडी सन्स। तो चलिए चलते हैं और मिलवाते हैं आपको भैया से। और सबसे पहले तो भैया ये बताएं कि आपकी फर्म का क्या नाम है, शॉप का नाम क्या है। सर, मेरा नाम शिवम वर्मा है और हमारी जो फर्म है वो जीडी सन्स के नाम से है, जो आगरा में नमक मंडी किनारी बाजार में है। यहाँ पे हम लोग B2B प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। जी, तो जैसा कि भैया ने बताया कि होलसेल में अपना सारा है, सारा काम होलसेल का है। तो भैया सबसे पहले तो ये बताएं कि स्टॉक तो काफी अच्छे हैं आपके, स्टॉक में आप किस प्योरिटी में डील कर रहे हैं और क्या आपके पास स्टॉक होंगे अभी अवेलेबल। सर, हम जो भी स्टॉक इस समय मेंटेन कर रहे हैं वो पूरा HUID वाला ओलमार्क माल को स्टॉक कर रहे हैं। इसमें तीन तरीके की कैटेगरी है। 7.5 की है जिसे हम 18 कैरेट बोलते हैं, इसके बाद 20 कैरेट का आता है जिसको हम 83.3 बोलते हैं, और इसके बाद 92 की ज्वेलरी होती है जिसे 22 कैरेट बोलते हैं। हम लोग जो अवेलेबल जो रेडी स्टॉक हम लोगों का रहता है वो 18 कैरेट और 20 कैरेट का रहता है, उसी को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा जो थर्ड ग्रेड है जो हमारा 92 का है वो हम लोग ऑर्डर बेस पे रेडी करते हैं। तो जैसा कि भैया ने बताया कि हम ऑर्डर बेस पे भी ऑर्डर मतलब लेके मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं जी, उसकी, है ना? जी बिल्कुल। तो आपने मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है जी, जी, जी। तो जैसे अगर कोई रिटेल भाइयों को कोई कस्टमाइज चीजें करानी है गोल्ड में जी, तो वो कस्टमाइज करा सकते हैं इजीली भैया को, वो डिटेल भेज के और वहाँ यहाँ से कस्टमाइज करा सकते हैं। बिल्कुल। तो भैया सबसे पहले तो ये कैटेगरी मुझे बताएं कि क्या क्या प्रोडक्ट अपने पास होते हैं अवेलेबल। सर, ये जैसे ये हमारे पास एक कैटेगरी है, ये समय शॉर्ट नेकलेस है, इसके इयररिंग्स भी आते हैं इसके साथ में, एक ये कैटेगरी होती है। और इसमें आप ये देख रहे हो ये वाला, ये इसी पैटर्न का माल होता है सारा, लेकिन ये MS पेंडल है, ये बैंगल्स हैं, ये वाली LR हैं, ये क्या है, ये अलग मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये लाइट वेट में भी रहता है, इसके कलर भी बहुत अच्छे रहते हैं, और इसमें लाइफ ड्यूरेबल भी प्रोडक्ट है ये सारा। तो ये सारा हर तरीके से बल्क में या मैन्युफैक्चरिंग ये सब अवेलेबल है। भैया से एक और सवाल कि भैया अपना कास्टिंग का भी प्रोडक्ट होता है, कास्टिंग और प्लेन। कास्टिंग में सर दो तरीके के प्रोडक्ट आते हैं, एक आता है स्टोन वाला प्रोडक्ट और एक आता है प्लेन, उसमें कोई स्टोन नहीं होता जी। अब मार्केट में क्या है, कई तरीके के स्टोन वाले प्रोडक्ट हैं, भारी स्टोन के भी है, लेकिन हमारी जो कास्टिंग की ज्वेलरी है ना स्टोन वाली, वो बिल्कुल लाइट वेट स्टोन लगा रहता है। मतलब जितना आपको गोल्ड है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ रहता है, लेकिन बिल्कुल, और एक्स्ट्रा अगर स्टोन लगा होता है तो वो स्टोन लेस करके भी देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि भैया ने ये बताया कि स्टोन
हमारा जो होता है वो अगर एक्स्ट्रा स्टोन अगर लगा होता है तो वो हम लेस कर देते हैं, वो रिटेल भाइयों को लेस करके मिल जाएगी अगर एक्स्ट्रा स्टोन लगा होगा उसके अंदर तो। और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ और आपको दिखाते हैं सबसे पहले तो हार, क्योंकि ये शादी में काफ़ी ज़्यादा परचेस किया जाता है और काफ़ी लाइट वेटेड है। तो भैया सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए कि कितने ग्राम से स्टार्ट हो जाता है अपना? सर ये नेकलेस 10 ग्राम से लेकर और 30 ग्राम 35 ग्राम 40 ग्राम तक अवेलेबल रहता है स्टॉक। और इसके पूरे सेट मिल जाएंगे जैसे जिस पैटर्न पे ये बना हुआ है उसकी अगर पूरे सेट चाहिए जैसे कान के चाहिए? जी, पूरी ब्राइडल ज्वेलरी जो होती है ना इसमें छोटा नेकलेस फिर उससे बड़ा नेकलेस फिर लॉन्ग सेट फिर उसके ईयर रिंग्स उसके बैंगल्स हथफुल बाजूबंद ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल मिल जाती है। तो भैया ये खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है होलसेल है? जी भैया मैन्युफैक्चरिंग भी है और होलसेल भी है। अच्छा, तो जैसा कि भैया ने बताया कि भैया की खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी है और यहाँ पे शॉप पे जीडी सन्स पे ये होलसेल भी कर रहे हैं और प्योरिटी इन्होंने बता ही दी 75 की है, 84 की है राइट, और 92 की है, मतलब तीनों कैटेगरी में भैया डील कर रहे हैं। 75 तो, और 84 में रेडी स्टॉक रहता है, 92 का जो बल्क ऑर्डर होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करके ऑर्डर बेस पर हम लोग सप्लाई देते हैं। तो रिटेल भाइयों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन की 75 और 84 का जो स्टॉक है भैया के पास रेडी रहता है, आप आए यहाँ से परचेज करके जा सकते हैं। आप अगर यहाँ से परचेज नहीं कर सकते, आप अगर यहाँ से थोड़े दूर के हैं और यहाँ नहीं आ सकते तो आप सावे जोन्स बिजनेस एप्लीकेशंस पे भी जाएं, वहाँ पे आपको इनके सारे स्टॉक अवेलेबल हम करवा देंगे और वहाँ से आप देखें स्टॉक्स को और फिर अपने ऑर्डर करें, हम आपको वहाँ आपके शॉप पर पहुँचा देंगे। अगर आपने सावे जोन्स बिजनेस एप्लीकेशन अभी तक इंस्टॉल नहीं करा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाएं वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इंस्टॉल करें सावे जोन्स बिजनेस एप्लीकेशन और भैया के सारे स्टॉक सारे रेंज वहां पे अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ भैया, ये रिंग्स इसी पैटर्न पे आप रिंग्स भी हैं तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है, कितने ग्राम तक लगभग अवेलेबल हो जाता है? इसको सर कॉकटेल रिंग बोलते हैं और ये हमारे पास 3 ग्राम से लेकर 6 ग्राम 8 ग्राम 10 ग्राम तक ये मिल जाता है। इसके अलावा रिंग की भी जितनी भी वैरायटी है जितनी भी शेप है सारी स्टॉक में अवेलेबल रहती है 18 कैरेट में और 20 कैरेट में। और अगर मैं बात करूँ पेंडेंट की तो पेंडेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये पेंडेंट जिसमें आपके सीजेट भी लगे हुए हैं जी, राइट, स्टोन है और स्टोन के साथ पेंडेंट है, तो ये भैया किस प्योरिटी में है पेंडेंट और क्या इसका कितने ग्राम के आसपास का है ये? ये जो कैटेगरी आप स्टोन वाली देख रहे हैं इसे को क्या है कास्टिंग ज्वेलरी बोलते हैं और कास्टिंग ज्वेलरी में A to Z सभी तरीके के आइटम आते हैं। इसमें लेडीज़ रिंग है, जैसे ये लेडीज़ रिंग 1 ग्राम से लेके और 12-13 ग्राम तक की अवेलेबल रहती है। ये चेन पेंडल बोलते हैं उसको और ये इसका सेट है, चेन पेंडल सेट ये हमारा 5 ग्राम से लेके और 40-50 ग्राम तक का अवेलेबल रहता है। इसके अलावा इसमें ईयर रिंग्स कान के टॉप्स बालियाँ ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट भैया ये बाली, काफ़ी लाइट वेटेड बाली लग रही है भैया, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करें और इसका जो ये कुंदा है तो इस कुंदे को क्या कहते हैं? जी जी, ये सर ये राजकोट की मैन्युफैक्चरिंग है अपनी जी, ये हम लोग बल्क ऑर्डर पे और रिटेल ऑर्डर पे भी इसका हम लोग काम करते हैं। इसमें इसे सुई धागा बोलते हैं, सुई धागे में भी 2 अलग अलग तरीके की कैटेगरी होती है। एक होता है कि आप टॉप्स को अलग करके टॉप्स को भी पहन सकते हैं, लटकन हटा दें इसकी। एक होता है ये अटैच वाला है, इसमें टॉप्स और लटकन एक ही में अटैच है, और ये वाला है इसमें आप टॉप्स भी अलग कर सकते हैं और ये भी अलग कर सकते हैं, इसे सेपरेट भी पहन सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये राजकोटी बाली, राजकोट की ज्वेलरी है, राजकोट बेसिकली से राजकोट ज्वेलरी बोलते हैं। बाकी का इसकी सब कैटेगरी बनी हुई है, सुई धागा, यूवी बाली, पाइप बाली, तार कटिया, MS, ये सब अलग अलग कैटेगरी हो गई, लेकिन ये जो ज्वेलरी है ये राजकोट में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये राजकोट की ज्वेलरी है जो कि राजकोट में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, भैया इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं अपने, और इसमें भैया ने एक चीज बताया कि इसको आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों करके पहन सकते हो। जी बिल्कुल, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपको लॉन्ग पहनना है तो लॉन्ग कर लीजिए, आपको शॉर्ट पहनना है तो शॉर्ट कर लीजिए, तो दोनों पर्पस आपके फुलफिल हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट
प्रोडक्ट की तरफ जो मुझे काफी अच्छा बैंगल लग रहा है, ये पेयर्स वाले बैंगल्स हैं, तो भैया ये चार के में आते हैं या दो में आते हैं? भैया इसमें अलग अलग तरीके से है, जैसे ये देख रहे हैं इसे बैंगल्स ही बोलते हैं, और ये 20 ग्राम से लेके 50-60 ग्राम तक मिल जाती है चार पीस, और इसी कैटेगरी में 6 पीस भी मिलते हैं, वो उसका वजन 50 ग्राम प्लस होता है। और इसके अलावा ये पाटला या कड़े, इसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी हमारे पास 20 ग्राम से लेकर 40 ग्राम 50 ग्राम तक के अवेलेबल रहते हैं। तो ये डबल कुंदा पेंडेंट जो है, ये क्या मंगलसूत्र का है भैया? जी मंगलसूत्र पेंडल है, मंगलसूत्र पेंडल, इसमें लड़ी लगाई जाती है, उसके बाद ये पूरा लगभग कितने ग्राम से स्टार्ट हो जाता होगा आपके? ये सर हमारा 3 ग्राम से स्टार्ट होता है और 10-12 ग्राम तक रेगुलर चलता है। तो आपके पास इसके स्टॉक पूरे अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल पूरे अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे कि 75 और 84 में अवेलेबल स्टॉक्स होते हैं। बिल्कुल। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है चेन। काफी प्रचलन में रहती है, शादी हो या फिर कोई पर्व त्योहार हो तो काफी ज्यादा चेन यूज होता है। तो भैया सबसे पहले तो चेन के बारे में बताए कि क्या प्योरिटी होती है चेन की हमारी, और क्या क्या चेन में हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होते हैं? सर चेन में कई तरीके की कैटेगरी है, बॉक्स चेन है, नवाबी चेन है, होलो चेन है, सिल्की चेन है, मारुति चेन है, और इसमें अलग अलग पार्टी के हिसाब से, वेट के हिसाब से इसमें डिज़ाइनिंग सेट की जाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये होलो चेन बोलते हैं और इसका नाम लोटस बोलते हैं इसको, लेकिन ये होलो चेन्स की कैटेगरी में ही आती है वाली चेन। जैसा कि आप देख रहे हैं काफी अच्छा शाइन है, काफी अच्छे पॉलिश वगैरह हैं इसके ऊपर जी। और ये क्या वेट से स्टार्ट हो जाती है भैया लोटस? ये सर लोटस जो है वो रेगुलर जो वेट चलता है ये 10 ग्राम से लेके और 24 ग्राम तक का वेट चलता है, जैसे आप पुराने तोले में 1 तोला और 2 तोले की चेन बोल सकते हो। अगर आपने सभी जो बिजनेस चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और बढ़ते हैं आप नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, तो भैया सबसे पहले तो ये बताएं कि ये चेन्स काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे और काफ़ी ब्रॉड भी है, और भैया ये सबसे ज़्यादा मजबूत चेन है, ये 15 ग्राम से स्टार्ट होती है वेट में, और इसकी फिनिशिंग मतलब बिल्कुल अलग है, आप ऐसा करके भी देखोगे ना आपको इसकी शार्पनेस अलग ही दिखाई देगी चेन की। इसके अलावा सर हमारे पास ये, इसको नवाबी चेन बोलते हैं, नवाबी में भी क्या है 2 तरीके के वेट आते हैं, एक होलो चेन्स होलो नवाबी बोलते हैं, एक सॉलिड नवाबी। इसके अलावा सर ये साव्या की मारुति है, इसकी फिनिशिंग और इसका जो कलर रहता है ना वो एज इट इज़ रहता है, जैसी ये आज है ऐसे ही आपको पहनने के बाद इसका दिखाई देगा। इसके अलावा सर चेनों में अलग अलग कैटेगरी है, ये बॉक्स की मिक्स चेन है, ये मारुति के अलग अलग पैटर्न के डिज़ाइन हैं, ये होलो चेन है, ये इसके अलावा शहनशाह हाईवे, ये ट्रिपल कट सिंगल कट, ये सभी चेनें हम लोगों के पास अवेलेबल रहती हैं, और भी कई सारी चेनें हैं लेकिन अभी जितना पॉसिबल हो सकता है उतने ही दिखाए। तो जैसा कि भैया ने बताया कि हम सारे स्टॉक एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, बहुत सारे स्टॉक हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाने को हैं, तो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती कि वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए साव्या ज्वेल्स बिजनेस।